अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आप लोगों को लेके आया हूँ काफ़ी मज़ेदार क्लास है, वो है फेस अवेयर लिक्विफाई टूल की। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि फोटोशॉप सीसी में मौजूद है। फोटोशॉप सीसी के कुछ वर्जन में 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, या जो लेटेस्ट हमारे पास 18 और लेटेस्ट जो आया है 2019 उसमें मौजूद है। ये काफ़ी मज़ेदार टूल है। इस टूल के थ्रू आप जो है आराम से आप अपनी आइज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नोज़ को कर सकते हैं। फोटोशॉप खुद ब खुद सेंस करके आपको चीज़ें, ये सब चीज़ें करके देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक इमेज ले आया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस पर फेस अवेयर जो लिक्विफाई जो टूल मैंने आपको बताया है वो मैं इस पे यूटिलाइज कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डबल क्लिक करके देर को अनलॉक कर लूँगा और कंट्रोल जे करके किसकी कॉपी ले लूँगा ताकि हमारे पास बैकअप मौजूद हो। क्योंकि जब भी आप लिक्विफाई यूज़ कर रहे होते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं लिक्विफाई की तमाम डिटेल्स आपको समझाऊंगा, आपने बैकअप ज़रूर लेना है। विदाउट बैकअप के आप काम नहीं कर सकते। तो ये नीचे हम लोगों ने बैकअप ले लिया और इस पर काम हमने करना है। इस वजह से इस पर मैं लिख देता हूँ वर्क। इस इमेज पे जाके क्लिक करके मैं फिल्टर्स में जाऊंगा। फिल्टर्स में हमारे पास ऑप्शन आ रही होगी लिक्विफाई की। लिक्विफाई पे हम जाएंगे। लिक्विफाई पे जो ही हम आएंगे, जो कि हमारे पास CS CC के जितने भी मोस्टली वर्जन्स हमारे पास CS 15, 16, 17, 18 और ये जो 19 वर्जन आया है, इन सब में ये वाली फेस अवेयर लिक्विफाई की ऑप्शन मौजूद होगी। उससे पहले वाले जितने भी हमारे पास फोटोशॉप के वर्जन्स हैं उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। और ये बहुत ज़बरदस्त क्लासिक जो है ऑप्शन है कि आप जो है ना किसी भी तरह आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो। वैसे तो लिक्विफाई इसी तरह ही यूज़ होता है रैप करने के लिए या दूसरी चीज़ें करने के लिए, लेकिन इसमें एक अलग से ये प्लगइन उन्होंने दे दिया है। ये फोटोशॉप खुद ब खुद देखेगा फेस को पिक्चर को देख के, वो खुद ब खुद फोटोशॉप अंदाज़ा लगाएगा कि ये इसका नोज़ है, ये इसके लिप्स हैं, ये इसके आइज़ हैं, ये इसका माथा है, हर कुछ फोटोशॉप खुद ब खुद करेगा। तो ये इस जगह पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होगी। अगर इस तरह ये ऑप्शन बंद भी है तो आप इसको जस्ट इस पर क्लिक करके आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेफ़्ट आई, जिस तरह ये लेफ़्ट साइड पर है तो राइट साइड पर, राइट आई के लिए राइट साइड पर बनाया हुआ है। जब मैं लेफ़्ट आई को क्लिक करूंगा, लेफ़्ट आई को थोड़ा बड़ा करूंगा तो ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट आई बड़ी हो गई है। जब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटा हो गई है। तो इसको मैं दोबारा ज़ीरो पे कर देता हूं। अगर आप चाह रहे हैं कि एक आई को नहीं मैंने करना, मैं इकट्ठे दोनों आईज को करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट आपने ये सेंटर वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस सेंटर वाले पे क्लिक करने से क्या होगा, जो ही आप एक आई को बड़ा करेंगे तो दूसरी आई खुद ब खुद बड़ी होगी। अगर आप जो ही आप एक आई को छोटी करेंगे तो दूसरी आई खुद ब खुद छोटी होगी। इसको मैं थोड़ा सा साइज का बड़ा कर लेता हूँ इसकी आंखों का। ये 45 पे मैं इसकी आईज का वो ले आता हूँ। उसके बाद हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ आई भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। अगर आप एक पे क्लिक करेंगे तो एक ही मूव करेगी आई की, ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। ये आप देख सकते हैं कि हाइट ऊपर की तरफ जा रही है आपकी आई का, आई की जो ऊपर वाली ये जो लेयर्स होती हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसको मैं दोबारा ज़ीरो पे कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही होती है ऑप्शन, वो है आइज़ की विड्थ की। अगर आप आइज़ की विड्थ ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आइज़ विड्थ पे जाके जस्ट आपने इसको, मैं ओवरऑल सिलेक्शन कर लेता हूँ लेफ्ट भी हो राइट साइड भी हो, या आप देख सकते हैं इसकी आइज़ की विड्थ ज़्यादा हो रही है, कम भी हो सकती है। आइज़ की विड्थ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसको मैं कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं ऐसा करता हूँ -5 कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद आइज़ को अगर आप मूवमेंट करना चाह रहे हैं, मीन्स के लेफ़्ट राइट करना चाह रहे हैं, वो भी आप इसको कर सकते हैं। यह मैं लेफ़्ट आई पर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि आई मूवमेंट कर रही है। इसको मैं दोबारा ज़ीरो पे ले जाता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ दोनों आइज़ मेरी मूव करें तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको इस तरह करूँगा तो आप देख सकते हैं खट्टे एक साथ, मीन्स के एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए आप इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ। आइज़ का डिस्टेंस, मीन्स की आइज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप कम ज़्यादा करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आइज़ का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, आइज़ का डिस्टेंस कम हो रहा है, आइज़ का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, आइज़ का डिस्टेंस कम हो रहा है। ज़ीरो पे मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन नोज़ की।
नोज़ की ऑप्शन भी सेम टू सेम उसी तरह ही है जिस तरह आईज यूटिलाइज होती है। नोज़ की हाइट आप ज़्यादा कर सकते हैं, नोज़ की हाइट कम कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, और उसके बाद नोज़ की विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं, नोज़ की विड्थ कम कर सकते हैं। उसके बाद स्माइल, स्माइल जब आप देख रहे हैं इस फेस, इसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल, अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी स्माइल थोड़ी ज़्यादा करें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उसने स्माइल उसके फेस पे ले आया। तो अपर लिप को छेड़ने के लिए ये आप देख सकते हैं कि वो अपर लिप को छेड़ रहा है। जब आप लोअर लिप पे करेंगे तो लोअर लिप भी आप इस तरह मूवमेंट उसको कर सकेंगे इजिली। विड्थ ऑफ माउथ, विड्थ माउथ की विड्थ भी है, आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं, माउथ की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, माउथ की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फॉरहेड की भी ऑप्शन आ रही होती है, ये ऊपर फॉरहेड की भी ऑप्शन आ रही होती है, ये एग्जैक्टली डाउन पे, कि अगर आप इसको फॉरहेड को ज़्यादा करना चाहेंगे वो भी आप कर सकेंगे, कम करना चाहेंगे फिर भी कर सकेंगे। उसके बाद चिन की भी ऑप्शन आ रही होती है, चिन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जिनका जो है एक्स्ट्रा चिन, डबल चिन आ रही होती है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल फोटोशॉप ने दिया है कि आप जो है ईजिली उसको चिन को ऊपर कर सकते हैं और डाउन पे कर सकते हैं। इसको मैं ज़ीरो पे कर देता हूँ, जिस तरह एक्यूरेट है वो सही। और उसके बाद जा लाइन को भी अगर आप मूवमेंट करना चाहें, जा लाइन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे किसी का फेस बड़ा है उसका फेस छोटा करने के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दिया है फोटोशॉप ने। ये खुद ब खुद ही उस पर सेंस कर लेता है कि फेस किधर है, तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर देता है। उसके बाद फेस विड्थ भी आप कम ज़्यादा इस पर कर सकते हैं, फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। या मैं देख सकते हैं इसका फेस पतला हो गया, इधर से इसका फेस मोटा हो गया। जीरो पे मैं क्लिक करूँगा और जस्ट मैं इसको ओके प्रेस कर दूंगा। जब मैं इसको ओके प्रेस कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखें इसका फेस क्या था, और इसके एक्सप्रेशंस चेंज करके और इसकी जॉ लाइन चेंज करके, इसकी आईज चेंज करके, इसकी नोज पतली करके, सब कुछ कितना जबरदस्त, कितना ज्यादा डिफरेंस इस चीज में आ गया। तो ये बहुत जबरदस्त फिल्टर है। अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप सीसी ये वाला वर्जन 2019 आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप जो है मेरे ग्रुप में, आर्टिस्टिक मेंटर ग्रुप में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनुस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।